नालों में तैरता काला जहर, रिस कर पहुंच रहा शरीर के भीतर, बरपा रहा जिंदगियों पर कहर। कैंसर, टीबी, दमा का बसेरा, मौत की काली छाया ने घेरा। किसी ने खोई मां, किसी ने खोया लाल। काला पानी बना जिंदगी पर काल। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो। और दरअसल हमारा मकसद यही होता है कि हम ऐसे मुद्दे लेकर आए जिनका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा रहे, जिससे आपको जगाया जा सके और साथ ही साथ सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सके। तो आज एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर हो चुके हैं और बात करेंगे पानी की ही। पानी है जीवन की धार, जिससे जुड़ा सबका संसार। लेकिन इस पानी में फैक्ट्रियों का प्रदूषित कचरा घुलने लगे तो क्या होगा? पानी जहर बन जाता है, जीवन के लिए श्राप बन जाता है। दिल्ली से 74 किलोमीटर दूर पिलखुआ के गांव में जीवन देने वाला पानी अभिशाप बन गया है। वो मौत बांट रहा है, लोगों की खुशहाल जिंदगी में मौत का सन्नाटा पसरा है। इस गांव में एक दो लोग नहीं बल्कि दर्जनों लोगों को कैंसर जैसी लाइलाज और जानलेवा बीमारी ने घेर लिया है। तभी तो इस गांव को कैंसर वाला गांव कहा जाने लगा है। दिल्ली के नजदीक बसे पिलखुआ के इस गांव में मौत का मातम हमेशा छाया रहता है। लोगों की जिंदगी से ऐसा लगता है कि खुशहाली रूठ गई है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी झलकती है। गांव के हर घर में कोई ना कोई कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। हर एक दो महीने में किसी न किसी की जिंदगी कैंसर छीन रहा है। इसकी वजह है पानी, जहरीला पानी। कोरोना महामारी के बाद अगर बात करें तो इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा लोग हर वर्ष पूरी दुनिया में इससे ग्रसित होते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो इंतजाम है वो कैसे हैं? आज इसी को खंगालने के लिए जी मीडिया की टीम आप पहुंची है हिंडालपुर गाँव में। ये हापुड़ का वो गाँव है जो पूरा तरीके से अगर कहें तो हिंडालपुर में तकरीबन पिछले 2 से 4 सालों में 25 से 30 मौतें सिर्फ और सिर्फ कैंसर के रोग से हो गई हैं। ये नाला कभी बरसाती नाला था, इसमें कभी सिर्फ बरसात का पानी कलकल बहता था। लेकिन अब जो इसकी हालत है बदहाली की कहानी कह रही है। नाले में बहता इंडस्ट्रियल वेस्ट भूजल को जहरीला बना रहा है। गांव वालों का दावा है कि पिछले 3 से 4 सालों में 20 से 30 लोगों को कैंसर ने उनके बीच से छीन लिया। गांव में कैंसर से हो रही मौतों के पीछे गांव वाले गांव से होकर गुजरने वाले नाले को मानते हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो ग्रामीणों ने बताया कि जो नाला कभी बरसाती नाला हुआ करता था वो औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित कचरे से काले नाले में तब्दील हो चुका है। नाले का गंदा पानी कैसे लोगों की मौत का सबब बन रहा है अब जरा ये समझिए। दरअसल पक्का नाला ना होने की वजह से फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन में रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और जब बोरिंग के जरिए पानी नलकों और हैंड पंपों से पीने के लिए निकाला जाता है तो शरीर के भीतर पहुंच रहा है। गांव वालों ने बताया न केवल बड़े नहीं बल्कि बच्चे भी कैंसर, टीबी और दमा जैसी बीमारियों की चपेट में हैं। यही वजह है कि गाहे बगाहे लोग इसे कैंसर वाला गांव भी कहते हैं। कभी दिल्ली पुलिस में हवलदार रहे किशन पाल सिंह तोमर भी कैंसर की चपेट में हैं। उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि बोल तक नहीं पाते। अब देखिए, दिल्ली पुलिस के रिटायर हैं ये व्यक्ति जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के रिटायर जवान हैं और अब इस तरीके से कैंसर से ग्रसित हैं। अगर कुछ बात कर पाएं आप मुझसे, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है? 4 साल हो गए, बहुत परेशान हूँ। गला बंद रहता है, पेट खराब रहता है। किशन पाल ही नहीं गांव के पूर्व प्रधान भी कैंसर से ग्रसित हैं। उनकी भी जिंदगी जहरीले पानी ने नरक बना दी है। क्षेत्र का सारा जल हमारे यहाँ था प्रदूषित और हमने बहुत प्रयास कर लिया, शासन प्रशासन से भी, सारे गांव ने धरना प्रदर्शन भी करे, लेकिन
प्रशासन और सिंचाई विभाग सुनने को तैयार नहीं है, पैसे ले लेते हैं कंपनियों से, हर छठे महीना सफाई नहीं होती, आप देखिए इसकी वजह से पानी रुका हुआ, सैकड़ों बीघे फसल नष्ट हो गई। गांव में हालात इतने बदतर हैं कि किसी की खुद की जिंदगी खतरे में है, किसी ने अपनों को खो दिया या उसके किसी करीबी की जान दांव पर है। पत्नी खत्म हो गई इसी उसमें। कितने साल हो गए सर? ये 17 में हुई थी, 26 और 17 में, 2017 में। क्या वजह बताई थी डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने वही बताया जी, कैंसर था उनका। क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र को ऐसा समझो 50 से करीब रही होगी। गांव में सरकारी नल की संख्या तकरीबन 10 से 12 है, लेकिन जब हमने नलकूपों के पानी की पड़ताल की तो देखकर दंग रह गए। इस गांव का पानी कैसे दूषित हो गया है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो नलका इस समय आप चलता हुआ देख रहे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहूंगा इस पानी को, क्योंकि ये पानी, इस पानी में पूरी तरीके से बैक्टीरिया मिले हुए हैं, क्योंकि ये जो नदी एक तरीके से जो सामने नाला जा रहा है नदी रूपी, वो गंदा कर रहा है। आप देखिए पानी को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो साफ तौर पर आपको भी इसमें गंदगी नजर आ जाएगी। हमारे पहले तो सही था पानी, अब जब से कंपनी वगैरह बनी है जब से ज्यादा पानी खराब हो चुका है, उनसे कैंसर भी बन जाते हैं, टीवी भी है। खराब पानी है, बाल्टी में भर के रख देते हैं, पीला हो जाता है। पिलखुआ में लोगों की जिंदगी को नरक बनाने वाली पानी को लेकर जब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फोन पर बातचीत करनी चाहिए तो फोन तक नहीं उठा। अब मैं इसी पर शासन क्या समझता है इसका आपको सीधा लाइव टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ। डीएम हापुड़ को मैं फोन मिलाऊंगा और उनसे जानकारी लूंगा कि आखिर क्या कुछ कहना है इस मामले पर उनका। तो ये आपके सामने मैं कॉल कर रहा हूँ, फोन मैंने लाउड स्पीकर पे कर दिया है। एक बार मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, क्या पता अब उठ जाए। एक आखिरी बार और ट्राई कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने कोशिश कर ली है कि डीएम फोन उठाएं हापुड़ की और रिस्पांस करें हमें। गांव वाले कई बार अपना दुखड़ा लेकर शासन प्रशासन का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन किसी ने अब तक सुध नहीं ली। सब आंखें मूंदे बैठे हैं और गांव के लोगों के पास अपने किस्मत पर रोने के सिवाय कुछ भी नहीं। जी यूपी उत्तराखंड के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट, कैसे प्रदूषित पानी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। कोई कैंसर से पीड़ित है और कोई आपको बता दें कि दमा टीबी की बीमारी से पीड़ित है, और आज सबसे बड़ी बात है कई लोगों की पिलखुआ के अंदर मौत भी हो चुकी है। हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके इलाके में भी ऐसा हो रहा है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ एक खास मेहमान रहेंगे, अगर उनसे भी जुड़ा आपके मन में कोई सवाल हो बीमारियों से जुड़ा कि कैसे प्रदूषित पानी से बीमारियां होती हैं, उसको बताने के लिए आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो डायरेक्टर है धर्मशिला अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अंशुमान कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंशुमान जी, आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपने ये रिपोर्ट देखी, प्रदूषित पानी कैसे लोगों की जिंदगी को लील रहा है, कैंसर, दमा, टीबी जैसी बीमारियां हो रही है। सर, ये प्रदूषित पानी कितना सेहत के लिए हानिकारक होता है और क्या कैंसर के जो बीमारी होती है वो अहम भूमिका प्रदूषित पानी ही निभाता है? जी, पानी के प्रदूषण जब बोलते हैं तो उसको दो भाग में बांट दीजिए, माइक्रोबियल मतलब जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या कोई सूक्ष्म जीवाणु है, इससे तो कैंसर नहीं होता है, ये अन्य संक्रामक बीमारियों के लिए है। लेकिन बाकी चीज़ें जो इम्प्योरिटीज फॉर्म में हैं, जिसमें खासकर फैक्ट्री का कचरा जा रहा है या कुछ भी हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी और कुछ केमिकल्स जो कैंसर के कारक हैं, आपने पानी पीने के साथ कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स को अंदर जाने दिया और इससे एक नहीं अनेकों प्रकार के कैंसर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइलोमा, ब्लड कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक का कैंसर। तो पानी के माध्यम से दो तरीके से आपके पास पहुँचाएगा, एक डायरेक्टली जब आप पानी पियेंगे, दूसरा उसी पानी से कोई सिंचाई की व्यवस्था हो और उससे बने हुए उत्पाद गेहूं, चावल, सब्जी कुछ भी लेते हैं, तो दो तरीके से आपके बॉडी में पहुंचेगा और केमिकल रिएक्शन चालू होगा और लंबे समय के बाद कैंसर में तब्दील होता है। जी डॉक्टर अंशुमान, अभी आपने देखा कि हमने प्रशासन के अधिकारियों से भी ये कोशिश की, प्रशासन के अधिकारी को भी पता है, लेकिन अभी क्योंकि जिस गांव से हमने रिपोर्ट तैयार की, कम से कम वो लोग देख रहे हों या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ऐसा हो रहा हो, उनको फिलहाल के लिए कि जब तक प्रशासन कोई दूसरा इंतजाम नहीं करता, जब तक पीने की पानी की बेहतर व्यवस्था नहीं होती है, तो उस स्थिति में वो लोग कैसे बचाव करें?
देखिए ये वाकई कठिन सवाल है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी दिखाया है कि इस तरह के गांव वेस्टर्न यूपी में हैं जहां पे इस तरह की समस्या है। अंडरग्राउंड वाटर पूरा कंटामिनेट हो चुका है, उनके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है अंडरग्राउंड वाटर का। गवर्नमेंट या प्रशासन के लोग जाते हैं उस पर क्रॉस लगा के आते हैं हैंडपम्पे से पानी ना पिए, लेकिन लोग पिए कैसे? सावधानी के लिए अभी अपने इलाके में आप डिमांड करें कि जो टेस्टेड प्योर वाटर है टैंकर से आए आपके यहाँ पहुँचाया जाए, उपलब्ध कराया जाए, और फॉर द टाइमिंग बाकी फिर सरकार उसको इंतजाम करे, या तो गांव के सप्लाई के लिए एसटीपी लगाते हुए वाटर प्योरीफायर लगा के तब गांव में पानी भेजे। अदरवाइज कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि पानी को गर्म करके या कोई सॉल्ट डाल के आप नॉर्मल नहीं कर सकते हैवी मेटल से उसमें। डॉक्टर अंशुमन एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि कैंसर जैसी बीमारी, और जहां हमने रिपोर्ट भी दिखाई वहां कैंसर की ज़्यादा बीमारी है। क्या आपको लग रहा है कैंसर के अलावा टीबी, दमा और जैसी भी तमाम बीमारियां भी इस प्रदूषित पानी होने की वजह से होती है? और इंसान की जो उम्र है, यानी आपने देखा कि 50 साल की उम्र में इंसान वहां पर दम तोड़ रहे, महिलाओं ने दम तोड़ दिया, वहां कई पुरुषों ने अपनी जान गंवा दी। जी जैसा आपने कहा इन्फेक्शस, जी मैंने पहले भी बता दिया कि पानी प्रदूषित अगर हो तो संक्रामक बीमारियां भी हो सकती है, और हैवी मेटल्स हो तो कैंसर हो सकता है। लेकिन संजोग से आप देखिए कि गंदे पानी पीने से पेट में पल रहे बच्चे जो माँ के गर्भ में अभी है उसमें कंजेंटल डिफेक्ट, बच्चा पैदा होगा, होंठ कटे होंगे, पांव टेढ़े निकलेंगे, मतलब अनेक तरह की बीमारियां, उससे लेके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं स्किन एलर्जी, अलग अलग किस्म की। ये दूसरा, जब इम्प्योर चीज़ें आप लेते हैं तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस और अन्य बीमारियां। तो कहने का मतलब है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गंदा पानी आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहिए। डॉक्टर अंशुमान कुमार डायरेक्टर हैं धर्मशिला अस्पताल के, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े। एक बार फिर दर्शकों को खबर बता दें, दरअसल हम दिखा रहे हैं आपको पिलखुआ से एक खबर जो हापुड़ जिले में आता है, जहां का प्रदूषित पानी, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित और जहरीला पानी वहां की जमीन में जा रहा है, और जिससे लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और कई लोगों की जान भी चली गई है। कैंसर ही नहीं बल्कि दमा, टीबी जैसी बीमारियों का भी वो शिकार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो नदियों का गंदा पानी है, जो जहरीला पानी है, केमिकल युक्त पानी है, ये कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच रहा है। और क्योंकि पानी के पीने के अलावा, क्योंकि जमीन के स्रोत के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, जिसके बाद आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में लोग कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं। कैंसर ही नहीं, टीबी, दमा और भी तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर अंशुमान, ये तो आप बात रही, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो कैंसर, क्योंकि आपने बताया कि प्रदूषित पानी के पीने की वजह से भी कैंसर होता है, लेकिन आखिरकार कैंसर जैसी बीमारी से डॉक्टर अंशुमान बचा कैसे जाए? जी कैंसर में एक कंफ्यूजन है कि लोगों को लगता है जेनेटिक बीमारी है, सिर्फ 5-15% कैंसर जेनेटिक है, बाकी सारे कैंसर के कारक आपके वातावरण में है। और उसको साधारण भाषा में समझाऊं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वलि बने शरीरा, क्षिति जल पावक मीन्स अग्नि, गगन और समीर वायु, इन सब के प्रदूषण से आपको बीमारी होती है। कैसे होती है? इनमें कार्सिनोजेंस हैं, हैवी मेटल्स हो या अलग अलग नाइट्रोसमीन्स या अलग कार्सिनो, आपके बॉडी में पहुंचा, डीएनए को डैमेज किया, बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है डीएनए को रिपेयर कर ले, सेल को नॉर्मल कर दे, लेकिन जब बार बार ये डैमेज आने लगा आपके शरीर के ऊपर, यही कैंसर का रूप ले लेता है। और ये अनवरत प्रक्रिया है, एक दिन में कोई कैंसर डेवलप नहीं होता है, बहुत साल तक डैमेज होने के बाद किसी खास अंग का कैंसर पनप के आता है। लेकिन अमूमन लोग ये बात करते हैं डॉक्टर अंशुमान की, देखिए आप अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या आप तंबाकू खाते हैं, ये तो है ही है बीमारी के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, जिसमें आपने जिक्र भी किया और जो हम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि प्रदूषित पानी भी है उसमें शामिल, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल, तंबाकू के बाद शराब सबको मालूम है कैंसर का कारक है, लेकिन उनसे आपने प्रदूषित पानी की बात कह दी, प्रदूषित हवा, उत्पाद जो भी ऐसी जगह उपजाए जहाँ का पानी गंदा हो, प्लास्टिक्स बहुत बेतरतीब इस्तेमाल होने के कारण उससे भी कैंसर फॉर्मिंग केमिकल लीच होते हैं, और वातावरण का रेडिएशन, अनेक हजार्ड्स जो कैंसर के कारक हैं। रिजल्टेंट कैसे हम तय करें कि किसको कैंसर हो सकता नहीं हो सकता है? डिफेंस सिस्टम सिमिलरली काम करता है कि आपके ऊपर कैंसर फॉर्मिंग एजेंट का असर हुआ, आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़के निकाल दिया, आपको कैंसर नहीं हुआ। जिनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो
व्यसन भी करते हों और वातावरण में अन्य कैंसर कारक भी मिल जाए, उनको कैंसर डेफिनेटली होता है। इसलिए सिंपल फाइट है इम्यून सिस्टम और कार्सिनोजेन के बीच में। जी बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान जी, आप बने रहिएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर अंशुमान जो डायरेक्टर है धर्मशिला अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़े हैं और कैंसर जैसी बीमारी से आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिरकार कैसे बचे और कैसे ये होता है। और हम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि कैसे जहरीला पानी पीने से हापुड़ के कई गाँव जो है पीड़ित हैं, क्योंकि परेशान है, क्योंकि लगातार वह जहरीला पानी पी रहे हैं और लोगों की जिंदगी वहां पर लील रही है। कैंसर, दमा, टीबी जैसी बीमारी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। अगर आपकी कैंसर या और भी किसी बीमारी से जुड़ी जानकारी है तो डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ हैं, क्योंकि वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। वो आपको जानकारी देंगे कि आप कैसे बच सकते हैं, कैसे ये बीमारी होती है, क्या उपाय हैं, ये तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपको जगाते रहेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है जागते रहो। दिल्ली के नजदीक बसे पिलखुआ के इस गांव में मौत का मातम हमेशा छाया रहता है। लोगों की जिंदगी से ऐसा लगता है कि खुशहाली रूठ गई है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी झलकती है। गांव के हर घर में कोई ना कोई कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। हर एक दो महीने में किसी न किसी की जिंदगी कैंसर छीन रहा है। इसकी वजह है पानी, जहरीला पानी। कोरोना महामारी के बाद अगर बात करें तो इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा लोग हर वर्ष पूरी दुनिया में इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो इंतजाम है वो कैसे हैं, आज इसी को खंगालने के लिए जी मीडिया की टीम आप पहुंची है हिंडालपुर गांव में। ये हापुड़ का वो गांव है जो पूरा तरीके से अगर कहें तो हिंडालपुर में तकरीबन पिछले 2 से 4 सालों में 25 से 30 मौतें सिर्फ और सिर्फ कैंसर के रोग से हो गई हैं। ये नाला कभी बरसाती नाला था, इसमें कभी सिर्फ बरसात का पानी कलकल बहता था, लेकिन अब जो इसकी हालत है बदहाली की कहानी कह रही है। नाले में बहता इंडस्ट्रियल वेस्ट भूजल को जहरीला बना रहा है। गांव वालों का दावा है कि पिछले 3 से 4 सालों में 20 से 30 लोगों को कैंसर ने उनके बीच से छीन लिया। गांव में कैंसर से हो रही मौतों के पीछे गांव वाले गांव से होकर गुजरने वाले नाले को मानते हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो ग्रामीणों ने बताया कि जो नाला कभी बरसाती नाला हुआ करता था वो औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित कचरे से काले नाले में तब्दील हो चुका है। नाले का गंदा पानी कैसे लोगों की मौत का सबब बन रहा है, अब जरा ये समझिए। दरअसल पक्का नाला ना होने की वजह से फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन में रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और जब बोरिंग के जरिए पानी नलकों और हैंड पंपों से पीने के लिए निकाला जाता है तो शरीर के भीतर पहुंच रहा है। गांव वालों ने बताया ना केवल बड़े नहीं बल्कि बच्चे भी कैंसर, टीबी और दमा जैसी बीमारियों की चपेट में हैं। यही वजह है कि गाहे बगाहे लोग इसे कैंसर वाला गांव भी कहते हैं। कभी दिल्ली पुलिस में हवलदार रहे किशनपाल सिंह तोमर भी कैंसर की चपेट में हैं। उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि बोल तक नहीं पाते। अब देखिए, दिल्ली पुलिस के रिटायर हैं ये व्यक्ति जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के रिटायर जवान हैं और अब इस तरीके से कैंसर से ग्रसित हैं। अगर कुछ बात कर पाएं आप मुझसे, कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है? 4 साल हो गए, बहुत परेशान हूँ। गला बंद रहता है, पेट खराब रहता है। किशनपाल ही नहीं, गांव के पूर्व प्रधान भी कैंसर से ग्रसित हैं। उनकी भी जिंदगी जहरीले पानी ने नरक बना दी है। क्षेत्र का सारा जल हमारे यहाँ था प्रदूषित और हमने बहुत प्रयास कर लिया, शासन प्रशासन से भी, सारे गांव ने धरना प्रदर्शन भी करे, लेकिन प्रशासन और सिंचाई विभाग सुनने को तैयार नहीं है। पैसे ले लेते हैं कंपनियों से, हर छठे महीना सफाई नहीं होती। आप देखिए, इसकी वजह से पानी रुका हुआ, सैकड़ों बीघे फसल नष्ट हो गई। गांव में हालात इतने बदतर हैं कि किसी की खुद की जिंदगी खतरे में है, किसी ने अपनों को खो दिया या उसके किसी करीबी की जान दांव पर है। पत्नी खत्म हो गई इसी उसमें। कितने साल हो गए सर? ये 17 में हुई थी, 26 और 17 में, 2017 में। क्या वजह बताई थी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने वही बताया जी, कैंसर था उनका। क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र कोई ऐसा समझो 50 से करीब रही होगी। गांव में सरकारी नल की संख्या तकरीबन 10 से 12 है, लेकिन जब हमने नलकूपों के पानी की पड़ताल की तो देखकर दंग रह गए। इस गांव का पानी कैसे दूषित हो गया है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो नलका इस समय आप चलता हुआ देख रहे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहूंगा इस पानी को, क्योंकि ये पानी
इस पानी में पूरी तरीके से बैक्टीरिया मिले हुए हैं, क्योंकि जो नदी एक तरीके से जो सामने नाला जा रहा है नदी रूपी, वो गंदा कर रहा है। आप देखिए पानी को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो साफ तौर पर आपको भी इसमें गंदगी नजर आ जाएगी। हमारे पहले तो सही था पानी, अब जब से कंपनी वगैरह बनी है जब से ज्यादा पानी खराब हो चुका है, उनसे कैंसर भी बन जाते हैं, टीवी भी है। खराब पानी है, बाल्टी में भर के रख देते हैं, पीला हो जाता है। पिलखुआ में लोगों के जिंदगी को नरक बनाने वाली पानी को लेकर जब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फोन पर बातचीत करनी चाहिए तो फोन तक नहीं उठा। अब मैं इसी पर शासन क्या समझता है इसका आपको सीधा लाइव टेस्ट दिखाने जा रहा हूं। डीएम हापुड़ को मैं फोन मिलाऊंगा और उनसे जानकारी लूंगा कि आखिर क्या कुछ कहना है इस मामले पर उनका। तो ये आपके सामने मैं कॉल कर रहा हूं, फोन मैंने लाउड स्पीकर पे कर दिया है। एक बार मैं दोबारा से ट्राई करता हूं, क्या पता अब उठ जाए। एक आखिरी बार और ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने कोशिश कर ली है कि डीएम फोन उठाएं हापुड़ की और रिस्पांस करें हमें। गांव वाले कई बार अपना दुखड़ा लेकर शासन प्रशासन का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन किसी ने अब तक सुध नहीं ली। सब आंखें मूंदे बैठे हैं और गांव के लोगों के पास अपने किस्मत पर रोने के सिवाय कुछ भी नहीं। जी यूपी उत्तराखंड के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। नजदीक बसे पिलखुआ के इस गांव में मौत का मातम हमेशा छाया रहता है। लोगों की जिंदगी से ऐसा लगता है कि खुशहाली रूठ गई है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी झलकती है। गांव के हर घर में कोई ना कोई कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। हर एक दो महीने में किसी ना किसी की जिंदगी कैंसर छीन रहा है। इसकी वजह है पानी, जहरीला पानी। कोरोना महामारी के बाद अगर बात करें तो इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा लोग हर वर्ष पूरी दुनिया में इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो इंतजाम है वो कैसे हैं? आज इसी को खंगालने के लिए जी मीडिया की टीम आप पहुंची है हिंडालपुर गांव में। ये हापुड़ का वो गांव है जो पूरा तरीके से अगर कहें तो हिंडालपुर में तकरीबन पिछले 2 से 4 सालों में 25 से 30 मौतें सिर्फ और सिर्फ कैंसर के रोग से हो गई हैं। ये नाला कभी बरसाती नाला था, इसमें कभी सिर्फ बरसात का पानी कलकल बहता था, लेकिन अब जो इसकी हालत है बदहाली की कहानी कह रही है। नाले में बहता इंडस्ट्रियल वेस्ट भूजल को जहरीला बना रहा है। गांव वालों का दावा है कि पिछले 3 से 4 सालों में 20 से 30 लोगों को कैंसर ने उनके बीच से छीन लिया। गांव में कैंसर से हो रही मौतों के पीछे गांव वाले गांव से होकर गुजरने वाले नाले को मानते हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो ग्रामीणों ने बताया कि जो नाला कभी बरसाती नाला हुआ करता था वो औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित कचरे से काले नाले में तब्दील हो चुका है। नाले का गंदा पानी कैसे लोगों की मौत का सबब बन रहा है अब जरा ये समझिए। दरअसल पक्का नाला ना होने की वजह से फैक्ट्रियों का गंदा पानी जमीन में रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और जब बोरिंग के जरिए पानी नलकों और हैंड पंपों से पीने के लिए निकाला जाता है तो शरीर के भीतर पहुंच रहा है। गांव वालों ने बताया न केवल बड़े नहीं बल्कि बच्चे भी कैंसर, टीबी और दमा जैसी बीमारियों की चपेट में हैं। यही वजह है कि गाहे बगाहे लोग इसे कैंसर वाला गांव भी कहते हैं। कभी दिल्ली पुलिस में हवलदार रहे किशन पाल सिंह तोमर भी कैंसर की चपेट में हैं। उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि बोल तक नहीं पाते। अब देखिए दिल्ली पुलिस के रिटायर हैं ये व्यक्ति जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के रिटायर जवान हैं और अब इस तरीके से कैंसर से ग्रसित हैं। अगर कुछ बात कर पाएं आप मुझसे, कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है? 4 साल हो गए, बहुत परेशान हूँ। गला बंद रहता है, पेट खराब रहता है। किशन पाल ही नहीं गांव के पूर्व प्रधान भी कैंसर से ग्रसित हैं। उनकी भी जिंदगी जहरीले पानी ने नरक बना दी है। क्षेत्र का सारा जल हमारे यहाँ था प्रदूषित, और हमने बहुत प्रयास कर लिया शासन प्रशासन से भी, सारे गांव ने धरना प्रदर्शन भी करे, लेकिन
प्रशासन और सिंचाई विभाग सुनने को तैयार नहीं है, पैसे ले लेते हैं कंपनियों से, हर छठे महीना सफाई नहीं होती, आप देखिए इसकी वजह से पानी रुका हुआ, सैकड़ों बीघे फसल नष्ट हो गई। गांव में हालात इतने बदतर हैं कि किसी की खुद की जिंदगी खतरे में है, किसी ने अपनों को खो दिया या उसके किसी करीबी की जान दांव पर है। पत्नी खत्म हो गई इसी उसमें। कितने साल हो गए सर? ये 17 में हुई थी, 26 और 17 में, 2017 में। क्या वजह बताई थी डॉक्टर ने? डॉक्टरों ने वही बताया जी, कैंसर था। क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र कोई ऐसा समझो 50 से करीब में रही होगी। गांव में सरकारी नल की संख्या तकरीबन 10 से 12 है, लेकिन जब हमने नलकूपों के पानी की पड़ताल की तो देखकर दंग रह गए। इस गांव का पानी कैसे दूषित हो गया है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो नलका इस समय आप चलता हुआ देख रहे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहूंगा इस पानी को, क्योंकि ये पानी, इस पानी में पूरी तरीके से बैक्टीरिया मिले हुए हैं, क्योंकि ये जो नदी एक तरीके से जो सामने नाला जा रहा है नदी रूपी, वो गंदा कर रहा है। आप देखिए पानी को अगर आप बारीकी से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जागते रहो। और दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो प्रदूषित पानी है, जो गंदा पानी है जिसे आप पी रहे हैं, वो आपको बीमारियों का शिकार बना रहा है, यानी बीमारियां आपको हो रही हैं, कैंसर, दमा, टीबी जैसी बीमारियों के आप शिकार हो रहे हैं। और आज उसी पर हम खास बात कर रहे हैं। अब आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे सहारनपुर की, उससे पहले हमने आपको हापुड़ जिले की दिखाई थी। सहारनपुर में कृष्णा नदी अब जहरीले नाले में तब्दील हो गई है और जिसका कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांव में कैंसर पीड़ित लोगों की मौत लगातार हो रही है। कैंसर के कारण लगातार हो रही मौत से गांव में दहशत है। हालात इतने बदतर हैं, फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। सहारनपुर में कभी मोती से सफेद पानी से प्यास बुझाकर जीवनदान देने वाली कृष्णा अब बीमारियों के साथ मौत बांट रही है। फैक्ट्रियों के रासायनिक पानी नदी में छोड़े जाने की वजह से इस नदी का दम घुट रहा है। सहारनपुर के ननौता क्षेत्र के इस भनेड़ा खेमचंद्र गांव को देखे। यहां के लोग कैंसर, एलर्जी, दमा, टीबी जैसी अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसकी वजह है ये गंदा पानी। गांव के आसपास आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे आपको शुगर मिल, डिस्टिलरी, फैक्ट्री देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि यहां की हालत कितनी दयनीय है। इन फैक्ट्रियों की वजह से गांव का गंदा पानी और जहरीला हो चुका है, जिसकी वजह से गांव के लोग बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। इस गांव में कैंसर से अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है। ये लिस्ट जो अब तक, जब से हमने अभियान चलाया था इसका, तब से अब तक 90 लोग मर चुके जिनकी ये लिस्ट है। कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियां जो पानी से, खराब पानी से होती है, उनकी ये लिस्ट है। लोगों को सिर्फ कैंसर ही नहीं, और भी किस्म की कई बीमारियां घेर रही हैं। टीबी और दमा जैसी बीमारी इलाके में आम है। उसे कैंसर व्याप गया, अधरंग मारा, हड्डी पे मेरे ख्याल के 6 महीने खाट पे पड़ी रही जीव जाएगा। मुझे भी आवाज ना कि अन्य किसी बड़ी ने सोमपाल ने रुक कर ओड़ा करवा लिया हो गया तो कुछ भी। इलाके में 80 फीट नीचे तक का भूजल पीने लायक नहीं है। पानी इतना प्रदूषित है कि नहाने लायक तक भी नहीं है। लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है। का जो एटमॉस्फेयर है बहुत गंदा है, उसके जो सुबह सांस आती है, बदबू आती है इसमें पानी से, इससे बहुत कलर फेड हो चुका है, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा, और इससे थोड़ी स्किन प्रॉब्लम भी हो रही। लोगों की अकाल मौत हो रही है, उन्हें बीमारियां जकड़ रही हैं। ऐसे में लोगों के जहन में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डर है। मेरे तो ये सारे शरीर पर ये तो बहुत कम हो गया, तो बहुत है नहीं, इसमें तो बहुत ही बहुत ही इंटरव्यू करना तो पहले भी आए थे, वो पहले भी आता होता तो कुछ है नहीं। बीमारियां बांट रहे पानी की कहानी इतनी भर नहीं है। यहां जो हैंडपंप है उनसे निकलने वाला पानी पीला और बेहद बदबूदार है। इतना ही नहीं, गांव में एक पानी की टंकी भी है जो करोड़ों की लागत से प्रशासन ने बनवाई है, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, क्योंकि टंकी की बोरिंग 700 फीट पर होनी थी, लेकिन टंकी की बोरिंग सिर्फ 300 फीट कर दी गई है, जो आज की तारीख में गलती है। गांव वाले लगातार शासन प्रशासन से गंदे पानी को लेकर गुहार लगा रखे हैं, लेकिन वो आंख मूंदे सोए हैं, और उनकी यही लापरवाही गांव वालों को मौत के मुंह में ले जा रही है।
गांव वालों का कहना है कि चुनाव आता है और वादों की झड़ी लगती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे वादे बनकर ही रह जाते हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता, लेकिन प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। यहाँ पे पानी की दिक्कत थी, जो पहले मुझे जैसा बताया गया कि पहले पानी दूषित हो गया था, जो भी जो शैलो हमारे बोरवेल वगैरह थे, उसके बाद यहाँ पे एक परियोजना बनाई गई पेयजल आपूर्ति के लिए, उसमें डीप बोरिंग किया गया और उसके बाद ओवरहेड टैंक बनाया गया। अब वर्तमान में उसी से पानी की सप्लाई हो रही है। पानी जो बोरवेल का है उसकी गुणवत्ता ठीक है, परीक्षण भी पूर्व में कराया गया। जानकारों का मानना है कि पानी जहरीला होने की मुख्य वजह लोगों में जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के जलने से पैदा होने वाली डाइऑक्सिन गैस है। जब परिवार के किसी शख्स को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो पूरा परिवार कैसे टूट जाता है, ये रंजेश बहादुर सिंह के परिवार से बेहतर कौन जान सकता है। कैंसर की वजह से उन्हें सांस में बेहद परेशानी हो रही है, मशीनों की मदद से वो सांस ले पा रहे हैं। 6 महीने पहले हुए हैं, डॉक्टर ने अभी कुछ भी नहीं बोला है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद बताएंगे कि कितना ठीक हुआ है और कब तक ठीक होगा, ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कैंसर को मात नहीं दिया जा सकता, कैंसर को हराया नहीं जा सकता, इसका एकमात्र उपाय है बीमारी का समय से डायग्नोसिस होना। गोपाल जी जो करीब 3 साल तक कैंसर से जूझते रहे, अब सेफ हैं और वो दूसरों को भी बचाव के उपाय सुझा रहे हैं। मेरे गले में कैंसर था, कुछ खा नहीं पाता था, मेरा सांस बंद हो जाता था, लेकिन अभी ठीक हूँ। पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामले भारत में तेजी से बढ़े हैं। मेट्रो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पीयूष कुलश्रेष्ठ के मुताबिक साल दर साल देश में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। धर्मशिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर अंशुमन कुमार के मुताबिक हेल्दी लाइफस्टाइल से कैंसर से बचा जा सकता है, लेकिन अगर हम जागरूक नहीं हुए तो देश में 2024 से कैंसर के केसेस बेतहाशा बढ़ सकते हैं। तो इसको इंसान अपने लेवल पर नहीं बदल सकता, इसमें गवर्नेंस की सरकार की अहम भूमिका है। अंडरग्राउंड वाटर टेस्टिंग हो, सॉइल टेस्टिंग हो, वहाँ का उत्पाद जो खेती होती है उसकी टेस्टिंग हो, अगर रहने योग्य जगह नहीं हो तो उस जगह से निवास को बदल के दूसरी जगह करें। कैंसर जैसे बीमारी से भगवान ही बचाए, लेकिन बचाव तभी संभव है जब खान पान दुरुस्त हो, साफ सुथरा पानी पीने को मिले। लेकिन कुछ गाँवों को ये तक मैसर नहीं है और वहाँ बीमारियाँ तांडव मचा रही है। जी यूपी उत्तराखंड के लिए अंकित मिश्रा और नीना जैन। तो आपने सहारनपुर और नोएडा की रिपोर्ट देखी, उससे पहले हापुड़ की दिखाई। सहारनपुर के सीएमओ हमारे साथ संजीव मांगलिक जी जुड़ गए हैं। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। संजीव जी हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं सहारनपुर के नानोता क्षेत्र के भनेड़ा खेमचंद गाँव की एक रिपोर्ट दिखाई। क्या वाकई में आपके इलाके में कैंसर के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई डाटा या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तो मेरे पास है नहीं, बट लेकिन उस समय 2020 में हमने सर्वे कराया था तो उसमें पॉल्यूशन जो बोर्ड है उसकी रिपोर्ट थी, जिसके अंदर हमने हैवी एलिमेंट्स वगैरह जैसे कैडमियम है या निकिल है, इस तरह के जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं अगर वो ज्यादा पानी में होते हैं तो उससे कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो वो उस रिपोर्ट में उन्होंने जो पानी की टेस्टिंग की थी उसमें बताया था कि इस तरह के एलिमेंट्स नहीं है उसमें। जी तो संजीव जी अब अगर जिस तरह की, क्योंकि आप तो सीएम हो आपको तो वाकिफ होंगे, तो ज्यादातर जो के मरीज सामने आते हैं कैंसर के, आपको लग रहा है कि प्रदूषित पानी की वजह से आ रहे हैं या और भी चीजों की वजह से आ रहे हैं ये सब चीजें? नहीं, अब देखिए जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर हैं जेंट्स के अंदर वो ओरल कैंसर है। यूजली लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिससे तो ओरल कैंसर ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और सेकंड जो फीमेल्स के अंदर जितने भी कैंसर है वो अपना सीए सर्विक्स है या ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, कॉमनेस्ट कैंसर के ही है। तो इनका पानी से मुझे कोई ऐसा लिंक नहीं लगता है, इनके मल्टी फैक्टोरियल है बेसिकली कैंसर। तो फिर भी हम लोग पानी की जांच करा लेंगे,
लेकिन डॉक्टर संजीव भनेड़ा खेमचंद गांव का हम मामला दिखा रहे हैं जहां लोगों को कैंसर हो रहा है, एलर्जी है, दमा है, टीबी है, करीब 90 लोगों की एक लिस्ट हमको दिखा रहे थे एक सज्जन, उन्होंने कहा कि 90 लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो गई और एलर्जी है, हमने कुछ महिलाओं के भी दिखाई हमने अपनी रिपोर्ट में कि महिलाओं के जो शरीर पर एलर्जी नजर आ रही है, तो ये मामला आप लोगों के संज्ञान में है और संज्ञान में है तो फिर क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? मेरे बिल्कुल संज्ञान में नहीं है और जिससे मेरे साथ मैं कल ही बल्कि आज आपके तो संज्ञान में आया, कल ही मैं टीम भेजता हूँ, पूरी हेल्थ कैंप में लगवाता हूँ पूरा, उसका पूरा का पूरा पूरे गाँव में जितने भी लोग है उनके सबको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल डॉक्टर संजीव जी, आप हम दिखा रहे खबर और आपका हमारी खबर का असर यही है कि आप इसका संज्ञान लें, बहुत बहुत शुक्रिया। भनेड़ा खेमचंद गांव का मामला है, जरूर संज्ञान लीजिएगा। तो भनेड़ा खेमचंद गांव के बात कही है डॉक्टर संजीव मांगलिक, कह रहे हैं कि इस मामले को हम दिखवाएंगे कि अगर यहां पर कैंसर या एलर्जी, दमा, टीबी जैसी बीमारियां हो रही है प्रदूषित पानी की वजह से तो स्वास्थ्य महकमा इसका संज्ञान लेगा। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट है और जो हमें जानकारी भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने ये देखा, आपने रिपोर्ट भी देखी सहारनपुर की, नोएडा की भी हमने आपको दिखाई और चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा ये जो कैंसर के मामले आपका रिसर्च क्या कहता है कि प्रदूषित पानी की वजह से हो रहे हैं ज्यादातर मामले या आपको लगता है कि बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर, क्योंकि आपने देखा होगा अब तो बच्चों में भी कैंसर जैसे बीमारियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जी देखिए, तंबाकू का उत्पाद, शराब, सबको पता है, जन जन को पता है कि इससे कैंसर कारक है। बाकी जो चीजें हैं, जीवन शैली में बदलाव, बिल्कुल सही, ये भी कंट्रीब्यूटर है। पाश्चात्य जीवन शैली को जो हमने अडॉप्ट किया जिसमें फास्ट फूड ले लिया, लेकिन वो जो उनके अंदर व्यायाम करने की प्रक्रिया थी वो हमने नहीं ली। हिंदुस्तान का इंसान योगासन कर सकता था, तो कहने का मतलब लाइफस्टाइल भी रोल कर रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, वायु प्रदूषित, जल प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित, उसमें होने वाले उत्पाद प्रदूषित और अन्य कई तरीके की चीज़ें जो जैसे सब्जियों को जल्दी बढ़ाने में, फल को पकाने में केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे मिलके आपको कैंसर का कारण है। जो आपने बच्चों की बात की, दो थ्योरी है, सिंगल हिट हाइपोथेसिस, जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो और किसी भी तरह का कैंसर फॉर्मिंग एजेंट से उस बच्चे को माँ के गर्भ में पलते हुए असर आ जाए, ये बच्चा जब पैदा होगा, सेकेंड हिट किसी भी तरह का रेडिएशन या कुछ भी हुआ तो 2-3 साल के छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है। तो ये सिंपली डिपेंड करता है कितनी चीज़ों का लोड आप लेके चल रहे हैं। जैसे इसी सिलसिले में कई लोग कहते हैं पहले के बुजुर्ग लोग बहुत तंबाकू खाते थे तो उनको कैंसर नहीं होता था, ऐसा नहीं है, तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन उनके उस समय मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम नहीं थी जो अभी आप दिखा रहे हैं, पानी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अगर ये सारी चीज़ें मिल रही है तो कम ड्यूरेशन में ज़्यादा खतरनाक कैंसर होने की संभावना रहेगी, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जी लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि कैंसर को लेकर भी लोगों में भ्रांतियाँ होती है बहुत सारी, अगर किसी को कोई गांठ हो गई तो वो कैंसर समझने लगता है, उस थोड़ी भ्रांति को दूर करिएगा, कैसे मैं ये आप पता लगा सकते कि आपको कैंसर हो रहा है, या जिस तरह की गांव में अक्सर अमूमन मैं देखता हूँ कि अगर गांठ हो गई अरे तो कैंसर की, गले पर हो गई तो ये कैंसर की गांठ तो नहीं है। जी बहुत अच्छा सवाल किया, इसका सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी असामान्य लक्षण अगर आपको महसूस होने लगे, आपने उसका इलाज भी करा लिया और 3 हफ्ते तक इलाज के बाद भी इसमें राहत नहीं मिली तो कैंसर की जांच जरूर कराएं। ये एक वेग टर्म हुआ। अब जैसे गठान, हाल फिलहाल में गठान उत्पन्न हुआ, जैसे महिलाओं में स्तन में गठान महसूस हुआ, किसी पुरुषों में कहीं गठान महसूस हुआ, इसकी जांच जरूर कराएं। इसको ये सोच के न समझें कि क्योंकि कैंसर की गठान शुरुआती में दर्द नहीं देता है तो आप इसको इग्नोर ना करें। तंबाकू खाने वाले के मुंह में कोई छाला हो, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, दांत का इलाज करा लिया, सब कुछ कर लिया, 3 हफ्ते में छाला नहीं भर रहा है, कैंसर की संभावना हो सकती है। या असामान्य कोई भी लक्षण जैसे खून का आना, पेशाब में खून का आना, टॉयलेट के साथ खून का आना, महिलाओं में ब्लीडिंग, पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होना, इस तरह से कोई भी असामान्य लक्षण आपको लगे उसकी जाँच कराएं। 100 में से 90% लोग किसी भी सामान्य बीमारी से जूझ रहे होंगे जिसका इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन 10% ऐसे लोग पकड़ में आएंगे जिनको अर्ली स्टेज या प्री कैंसर स्टेज में हम पकड़ सकते हैं और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उस स्टेज में पकड़ने के बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। जी सर, डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल और आपसे होगा, और आखिरी सवाल ये है क्योंकि कैंसर की बीमारी है वो बहुत ही महंगी होती है और सबसे बढ़िया कीमोथेरेपी अगर आप लेंगे तो एक बड़ा वो हो जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर अब भी रिसोर्सेज की कमी है और बहुत महंगा इलाज है इसलिए भी हम लोगों की जान नहीं बचा पाते हैं?
इसको एक टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ हर समय, कैंसर इकोनॉमिक्स, मतलब किस तरह से हिंदुस्तान में अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है या आउट ऑफ पॉकेट लोगों को खर्च करना पड़ता है इलाज के लिए, इसलिए डिले होता है इलाज। इसका सिंपल फॉर्मूला आप समझिए, अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे, बीमारियों की रोकथाम पे और अर्ली स्क्रीनिंग पे काम करेंगे, तो कैंसर का इलाज सस्ता होगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में कैंसर पे इलाज में बहुत कम चीज़ें लगती है और मैक्सिमम केसेज में कीमो की जरूरत नहीं होती, जो कीमोथेरेपी आपने बताई। तो अगर प्रिवेंशन स्क्रीनिंग हम कर देते हैं तो कैंसर इकोनॉमिक्स हमारा इस तरफ बढ़ेगा कि या तो व्यक्ति को कैंसर हो ही नहीं और हो तो जल्दी इलाज करके ठीक हो जाए। दूसरी, कैपिंग ऑफ ड्रग प्राइसेज, काफ़ी मेडिसिन पे कैपिंग हो गई है और होनी है जिसमें इलाज अफोर्डेबल हो जाए। तीसरा, विकेंद्रीकरण करना है इलाज का, दिल्ली मुंबई में ही इलाज क्यों हो, हर जगह कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंसर का इलाज पहुंचा दिया जाए, अफोर्डेबल हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और कैसे ये बीमारी हो रही है वो हम आपको दिखा भी रहे थे जागते रहो में, अब आपको जागना है क्योंकि डॉक्टर अंशुमान ने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त तो चला।